हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक पावर सप्लाई के बारे में, वेरिएबल पावर सप्लाई के बारे में जो कि मैंने बनाया है, और मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं और कैसे बनेगा वो आपको बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड, मेरे सामने जो चीज़ रखी है ये मैंने बनाया है, एक छोटा सा वेरिएबल पावर सप्लाई आपको दिख रहा होगा। हम इसको स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे, इसके हम टेस्टिंग भी करेंगे और देखेंगे कि ये आपको ये आपकी कितना ज़्यादा हेल्प करेगा और कितना ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगा ये, और बहुत ज़्यादा कम खर्चे में आपके लिए बन जाएगा ये, और आप कैसे बना सकते हो चलिए हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो मैंने ये यूज़ किया है पावर सप्लाई बनाने के लिए, सबसे वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई तो भी ट्रांसफार्मर या फिर एक SMPS की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम देखें तो जिस पर मैंने ये बनाया है फ्रेंड्स, ये एक 24 वोल्ट और 2 एम्पियर का अडेप्टर है जो मैंने यूज़ किया है, और 24 वोल्ट 2 एम्पियर का देखिए ये, लेकिन यहाँ पर चाइनीज में लिखा है, पर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये मेरे पहले फ्रेंड ई बाइक का चार्जर था, जो मैंने मेरी ई बाइक बनाई थी उसका ये चार्जर था, और उससे मैंने ये बनाया है। तो 24 वोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट में देता है आपका, तो ये आपका 2.25 2.5 एम्पियर, मतलब 2.5 एम्पियर दे देता है फ्रेंड ये, मतलब फ्रेंड ये आपका 2.5 एम्पियर की पावर सप्लाई है। छोटे कामों के लिए बेस्ट रहेगी, आपको आपको छोटे बैटरी चार्ज करनी है 15-20 एम्पियर तक की, वो भी चार्ज कर देगी। अगर आपका कोई लैब आपका कोई लैब बेंच पावर सप्लाई जो आप चाहिए होगा वो भी आपका काम कर देगी, जितने पे टेस्टिंग होता है सब काम कर देगी। और सबसे देखेंगे हमने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले आप देखिए फिर मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने अडेप्टर यूज़ किया है 24 वोल्ट टू 2 एम्पियर का, जो मैंने बताया आपको, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप 36 वोल्ट 48 वोल्ट जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो। और देखिए आपको ये दिखेगा यहाँ पर अडेप्टर, और यहाँ से मैंने इसके वायर में आउटपुट निकाल लिया, देखिए आपको दिख रहा होगा ये। और दूसरी बात करें हम फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक DC to DC स्टेप डाउन मॉड्यूल, या फिर जिसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं, जो कि हमारा 3 एम्पियर का है, मतलब ये 3 एम्पियर तक करंट को इजीली ले लेगा, लोड ले लेगा। तो मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं किया है। आपको पता है फ्रेंड, इसके अंदर बड़ा वाला भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक DC to DC स्टेप डाउन मॉड्यूल है, जिसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। बस फ्रेंड, ये हमारा 10 एम्पियर का है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, पर फ्रेंड्स ये इतना हमारे पास इतना बड़ा एम्पियर लोड है ही नहीं, ये हमारा 2 एम्पियर तक के लिए है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़ा सप्लाई बना रहे हो तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, ये तो हमारा छोटा सप्लाई है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक 5 एम्पियर का बड़ा सप्लाई बना के बताया है, पावर सप्लाई उसके ऊपर आएगी, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर छोटा छोटा एनर्जी है, छोटा अगर आपका लोड है या फिर कम एम्पियर है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो जो 3 एम्पियर का है, और ये जो है फ्रेंड्स ये 10 एम्पियर का है, इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया है। दूसरे पावर सप्लाई मैंने यूज़ किया है, उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। अभी हम देखेंगे फ्रेंड, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक वोल्टमीटर यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, ताकि हमारे आउटपुट वोल्टेज हमें शो होते रहे। और यहाँ पर मैंने आउटपुट के लिए हमारी DC सॉकेट कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम हमारा आउटपुट ले सके। और सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको इसको ऑन करके बताता हूँ कैसे ऑन होता है। देखिए, ये इसका मेन लीड है, तो मैं देखिए मैं इसको मेरे बोर्ड में लगा देता हूँ 220 वोल्ट सप्लाई के अंदर। देखिए फिर मैंने इसे ऑन कर दिया, सबसे पहले हमारी इसके अडेप्टर लाइट ग्लो कर चुकी है, और फ्रेंड देखिए हमारे DC to DC बक कन्वर्टर जो है इसके अंदर भी हमारा लाइट आ चुका है, और देखिए हमारा वोल्टमीटर भी ग्लो कर चुका है। फ्रेंड्स, आपको ये वोल्टमीटर की लाइट दिख रही नहीं होगी लेकिन कैमरा के वैसे, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में आंखों से देखोगे तो आपको क्लियरली वोल्टेज दिखेगी, सनलाइट में दिखेगी, मैंने हर जगह टेस्ट किया है। बस आपको कैमरा के फ्रेम ड्रॉप्स की वजह से, रिफ्रेश रेट की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल आंखों के वैसे आपको क्लियर दिखेगा पूरा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इतना बहुत हल्का है फ्रेंड, बहुत हैंडी है, इसका वजन हार्डली 500 ग्राम्स भी नहीं होगा, मतलब ऐसे कहीं भी कैरी कर सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। सबसे देखिए यहाँ पर वोल्टेज आपको दिख रहे होंगे, अब मैं आपको इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा करके बताता हूँ। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर दिखेगा जिससे आप वोल्टेज कम कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कम करके, आप इसके वोल्टमीटर पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखेगा वोल्टेज। ये देखिए, मैं जैसे इसको मेरी तरफ घुमा रहा हूँ, देखिए वोल्टेज कम हो रहा है। देखिए फ्रेंड, वोल्टेज हमारे कम हो गए, और फ्रेंड्स ये वोल्टमीटर हमारा 4 वोल्ट काम करता है, इसीलिए बंद हो गया। जैसे वोल्टेज वापस बढ़ाऊंगा, देखिए फिर से ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा मॉड्यूल है 1.2 वोल्ट तक हमारे इनपुट सप्लाई कम कर सकता है, लेकिन हमारा वोल्टमीटर को चलने के लिए 4 वोल्ट चाहिए, इसलिए बंद हो गया, वरना वोल्टेज आपका 1.2 वोल्ट तक भी स्टेप डाउन कर सकता है। मैं आपको आगे बोलता हूँ, फिर मल्टीमीटर चेक करके देखिए हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड वोल्टेज बढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको आपको फुल करके बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, आप इसके ऊपर कोई बैटरी चार्ज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने फ्रेंड्स को 14.8 पे सेट कर दिया है, तो आप अपनी कोई बैटरी चार्ज करते हो, आपको 14.4 14.8 आपको जो बैटरी चार्ज करनी है बैटरी चार्ज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ अभी, देखिए
देखिए फ्रेंड, ये 22, 23, 24, 25 और फ्रेंड्स ये लास्ट हमारा 26.27 वोल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड हमारा अडैप्टर 28 वोल्ट देता है लेकिन एक वोल्ट हमारे फ्रेंड ड्रॉप हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, इसलिए हमें 27 वोल्ट मिल, देखिए फ्रेंड को 27 वोल्ट मिल रहा है और फ्रेंड 27 वोल्ट इनफ है आपको आपके 24 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए। तो देखिए आपका ये भी इजीली काम कर रहा है फ्रेंड्स और आपकी इसमें 27 वोल्ट तक आप ले सकते हो, आपका जितना बड़ा आपका अडैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग आप वोल्टेज ले सकते हो। अब देखिए फ्रेंड मैं इसे वापस फिर से कम कर रहा हूँ, आपको इसमें जितने भी वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। देखिए देखिए फ्रेंड मैं इसे कम कर रहा हूँ, वोल्टेज हमारे फिर से कम हो रहे हैं, तो ये फिर फ्रेंड मैं इसको फिर से 14.4 वोल्ट करता हूँ, ज़्यादा हमको वो यूज़ कब करना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स 14 पॉइंट मैं इसको 4 वोल्ट कर देता हूँ, मैंने 14 रुपये कर दिया। अब फ्रेंड इसके आउटपुट लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फ्रेंड्स इसके आउटपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक लीड बनाई है। देखिए ये जो हमारा इनपुट है इसमें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, देखिए मैं इसमें इसको डाल देता हूँ। देखिए और मैंने यहाँ पर 2 एलिगेटर क्लिप्स लगाई है, हमारे क्रोकोडाइल क्लिप्स, जिससे हम हमारा कोई भी लोड ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं, फिर इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, जैसे आप इसको शॉर्ट करोगे ये हमारा देखिए फ्रेंड ये हमारा कट कर देगा, मतलब हमारा मॉड्यूल ख़राब नहीं होगा इससे। और फ्रेंड मैं आपको इस पर लोड चला के बताऊँ, देखिए फ्रेंड मेरे पास एक 12 वोल्ट की मोटर है, मैं आपको इसे चला के बताऊँ फ्रेंड, 12 वोल्ट डीसी की मोटर है, मैं आपको चला कर बताता हूँ इससे। देखिए देखिए फ्रेंड्स ये मोटर हमारी इजीली चल रही है, आवाज़ आ रही होंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड इससे आप कोई भी आपका लोड टेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, जो भी आपको छोटा पावर सप्लाई जरूरत होगी तो ये आपका बेस्ट काम करेगा फ्रेंड। आप इसे कोई बैटरी पे चार्ज कर सकते हो, 2 एम्पियर की आपको आउटपुट देगा, मतलब फ्रेंड आप इसके ऊपर 20 एम्पियर तक की बैटरी पे चार्ज कर सकते हो। और फ्रेंड इसके अंदर ऑटो कट ऑफ होगा तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होकर ऑटो कट ऑफ हो जाएगी, डैमेज नहीं होगी। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर आपको जो भी डाउट होगी पावर सप्लाई रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।